तो आज के वीडियो में मैं आपको लेकर आया हूँ कि अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी आप कैसे डाउनलोड करेंगे, वो भी म्यूजिक सही डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, जब आप अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी लगाते हो, उसके साथ म्यूजिक सहित भी आप लगाते हैं, उसके बावजूद भी आप जब अपने सेव के आइकन पर क्लिक करते हैं तो वो सेव म्यूजिक सहित नहीं होता है। तो आज हम उसी को आपको म्यूजिक सहित सेव करके दिखाएंगे। इसके लिए ना आपको कोई पैसा लगेगा, ना कोई ऐप लगेगा, क्योंकि काफ़ी लोग फेसबुक से भी मतलब ऐड किए हो रहते हैं, फेसबुक से डाउनलोड कर लेते हैं। तो उसके लिए आपको फेसबुक पे नहीं जाना है, ना फेसबुक से ऐड करना है। तो उसके लिए आपको अपने फ़ोन में ही जाना है, अपने फ़ोन से ही डाउनलोड कर सकते हो, वो भी एक मिनट में आपको हम लाइव प्रूफ करके डाउनलोड करके बताएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, यदि अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा सब्सक्राइब करने के बाद, ताकि ऐसी नई जानकारी वीडियो आप तक सबसे पहले ही पहुंचे और आपको सबसे पहले ही पता चल जाए। चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, बिना देरी आ जाना है अपने मोबाइल स्क्रीन पर। उसके बाद आपको यहाँ पर सबसे पहले अपना इंस्टाग्राम ओपन कर लीजिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं इंस्टाग्राम ओपन हो जाएगा इस तरह का कुछ। तो उसके बाद आपको यहाँ पर जो अपना स्टोरी लगा कर रखे हुए हैं उस स्टोरी पर आप क्लिक कर देंगे। योर स्टोरी पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर एक स्टोरी लगा के रखा हुआ है, तो मैं इसे डाउनलोड करना चाहता हूँ। और यहाँ मैंने q.com पर क्लिक किया। उसके बाद मैं यहाँ पर गैलरी में सेव करना चाहा, यहाँ पर सेव वीडियो जो लिखा है इस पर मैंने क्लिक किया। इस पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कुछ इस तरह कुछ इंटरफेस मांग रहा है। तो यहाँ पर सेव विथआउट म्यूजिक, इसका मतलब है कि आपकी वीडियो के साथ ये म्यूजिक नहीं होगी, डाउनलोड नहीं होगी। तो यहाँ पर मैं सेव भी कर लूँगा, लेकिन मेरे वीडियो में वो म्यूजिक नहीं होगी जहाँ वो। तो फ्रेंड्स, आपको फिर से आपको q.com पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको कॉपी लिंक कर लेना है, इस वीडियो की कॉपी लिंक कर लेना है। यहाँ पर कुछ कॉपी हो जाएगा, लिंक कॉपी लिंक हो रहा है, यहाँ पर कॉपी हो चुका है वो ये वीडियो की लिंक। ये वीडियो की लिंक कॉपी होने के बाद बीच वाले कट करके आपको होम स्क्रीन पर फिर से आ जाना है। तो फ़ोन में गूगल ऐप पर जाना होगा, यहाँ पर गूगल ऐप यहाँ पर है, हर किसी के फ़ोन में गूगल ऐप होता है। तो यहाँ पर आपको सर्च बार में जाना है, सर्च बार में लिखना है इंस्टा स्टोरी डाउनलोड, इंस्टा स्टोरी डाउनलोड। तो यहाँ पर पहले वाला आ गया था, मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया। तो यहाँ पर पहले लिंक पे आप क्लिक कर दीजिए, पहले लिंक पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा फ्रेंड। तो यहाँ पर लिखा होगा डाउनलोड इंस्टाग्राम स्टोरीज। तो यहाँ पर ये जो लिखा है इंटा इंस्टाग्राम अकाउंट यूजर, तो इस पर क्लिक करना है और इसी पर आपको जो वो जो लिंक कॉपी किए थे उसी को आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद कुछ देर वेट कर लेते हैं। यहाँ पर एक कैप्चर आएगा, तो यहाँ पर इस कैप्चर को आई एम नॉट ए रोबोट, तो यहाँ पर सही का टिक कर देना है। फ्रेंड्स, सही के टिक पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ नया इंटरफेस खुलेगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर देखने को देख सकते हैं, यहाँ पर आपको यहाँ पर सेव एज वीडियो पर क्लिक कर देना है। सेव एज वीडियो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं वो वीडियो आ चुका है। तो उस वीडियो को चला के चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं वीडियो चलना स्टार्ट हो चुका है। अब इस वीडियो को हमें सेव करना है गैलरी में। तो गैलरी में सेव करने के लिए आपको यहाँ पर q.com नीचे दिख रहा है, उस पर क्लिक करना होगा। उस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर डाउनलोड लिखा होगा और डाउनलोड पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर डाउनलोड अगेन लिखा होगा, इस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं डाउनलोड फाइल। तो यहाँ पर फाइल में डाउनलोड हो चुका है आपका वीडियो, और आपको मैं यहाँ पर लाइव प्रूफ करके दिखा दे रहा हूँ चला के। तो यहाँ पर आपको वो वीडियो मैंने डाउनलोड किया था, तो यहाँ पर वीडियो में जाता हूँ। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं वो वीडियो आ चुका है डाउनलोड होके। तो यहाँ पर मैं चला के दिखा दे रहा हूँ, वो वीडियो चलने लगा है, यहाँ पर स्टार्ट हो गया है। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना फ्रेंड्स, ताकि ऐसी नई जानकारी वीडियो आप तक सबसे पहले ही पहुंचे।